अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो है फ़्लाइट्स के बारे में कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब खुलेगी, जो लोग अभी दुबई में फंसे हुए हैं दुबई से सऊदी अरब के लिए कब जा सकेंगे, या जो लोग अभी इंडिया में हैं लगभग एक साल हो गया है, एक साल से जो है फ़्लाइट बंद है, तो वो लोग कब तक जो है सऊदी अरब जा सकेंगे और सऊदी की गवर्नमेंट कब फ़्लाइट खोलने वाली है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना करके जो है जानकारी दे रहे हैं कि 14 मार्च को खुल जाएगी, कोई कह रहा है कि 31 मार्च में खुल जाएगी और कोई बोल रहा है कि 17 मई को खुलेगी। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि 14 मार्च में क्या हो रहा है और 31 मार्च में क्या हो रहा है और 17 मई में क्या होने वाला है, क्योंकि ये सभी तारीख जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही बताई गई हैं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही बताई गई हैं, और इन तारीख को जो है एक अलग अलग प्रोग्राम है, एक अलग अलग जो है काम है। पर लोग जो है बहुत सारे यूट्यूबर हैं हमारे भाई, वो जो है इस बात को घुमा फिरा करके जो है बता रहे हैं कि इस तारीख में जो है, यानी लोगों के जहन में तो पहले से ही है कि 14 मार्च जो है गवर्नमेंट की तरफ से है या 31 मार्च गवर्नमेंट की तरफ से है और 17 मई भी गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई है, लेकिन उस बात को जो है घुमा फिरा करके जो है बता रहे हैं कि फ़्लाइट जो है 31 मार्च में खुल जाएगी, या बहुत सारे जो है लोग बता रहे हैं कि 17 मई में खुलेगी। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि 14 मार्च के बारे में, 31 मार्च के बारे में और 17 मई के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यानी 14 मार्च के बारे में। तो देखिए 14 मार्च के बारे में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल न्यूज़ है और बहुत सारी जो है वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ, वो है जो कफाला सिस्टम है सऊदी अरब के अंदर वो ख़त्म हो रहा है 14 मार्च को। तो जो लोग ये फ़्लाइट से जो है जोड़ रहे हैं इस चीज़ को, इससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। 14 मार्च को जो है ये होगा कि जो कफेल सिस्टम है सऊदी अरब के अंदर, कफेल सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा और जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आने वाला है जिसके कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसमें जो वर्कर है वो खुद ही अपना कफील होगा, अपनी छुट्टी वो खुद लगा सकेगा। इसके अलावा जो है अगर वो फाइनल एग्जिट जाना चाहता है तो फाइनल एग्जिट भी अपने अफसर अकाउंट से लगा सकेगा, और इसके अलावा जो है अगर वो किसी दूसरी जगह नकल कफाला कराना चाहता है, किसी और कंपनी या मुसस्से में काम करना चाहता है, तो वो अब यानी अपना ट्रांसफ़र भी करा सकेगा। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको 14 मार्च के बारे में। और देखिए अब जो है मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो 31 मार्च का जो जिक्र आ रहा है कि 31 मार्च में जो है फ़्लाइट्स खुल जाएगी सऊदी अरब के लिए, ऐसी जो है खबरें आ रही हैं। तो देखिए बहुत सारे जो यूट्यूबर ऐसे हैं जो वीडियो बना करके इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि 31 मार्च में जो है फ़्लाइट खुल जाएगी, और असल में जो 31 मार्च की जो फ़्लाइट खुलने वाली बात है, आज भी मैंने एक वीडियो जो है चेक की, वो जो स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर रहे हैं जो न्यूज़ आई थी पहले, वो अब की न्यूज़ नहीं है, वो यानी जनवरी और जनवरी से भी पहले की न्यूज़ है। बात बिल्कुल सही है कि 31 मार्च में सऊदी गवर्नमेंट ने बोला था फ़्लाइट खोलने के लिए, लेकिन अभी नहीं बोला था, वो पहले की बात है, यानी जनवरी से भी पहले की बात है या जनवरी की बात है। उसमें जो है सऊदी गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले जो है ये बताया था कि हम जो है, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की नवंबर से भी पहले की या नवंबर की, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो है सारी चीज़ें जो है खोल देंगे, फ़्लाइट्स पे जो पाबंदी है वो भी हटा देंगे 1 जनवरी को। लेकिन 1 जनवरी से आने से पहले पहले जो है उन्होंने तारीख दी फिर 31 मार्च की। तो 31 मार्च वाला जो स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर रहे हैं लोग लेकर के, तो असल में वो न्यूज़ पुरानी है, वो जो है न्यूज़ पुरानी है, पर लोग जो है कुछ हमारे भाई हैं वो इस चीज़ को जोड़ रहे हैं अब से, यानी कि अब जो है 31 मार्च को खुल जाएगी। बल्कि ये जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि जो सऊदी गवर्नमेंट ने टेम्परेरी सस्पेंशन लगाई है 20 फ्लाइट्स पे, उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो 17 मई से है और ना ही 31 मार्च से है। 17 मई के बारे में मैं आपको बताऊंगा और 31 मार्च का मैं भी आपके सामने जो है क्लियर कर देता हूँ, ताकि सारी कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाए। तो 31 मार्च में सऊदी गवर्नमेंट ने बोला था बहुत पहले, लेकिन कुछ यानी कि हफ्ते पहले सऊदी गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है एक वजारत दाखिले की तरफ से जानकारी आई कि 31 मार्च में जो यानी फ़्लाइट्स पे पाबंदी हटानी थी, तो वो भी किन लोगों के लिए थी, वो सऊदी जो शहरी हैं उन लोगों के लिए थी कि वो यानी 31 मार्च के बाद सऊदी अरब, यानी अगर वो जाना चाहते हैं सऊदी अरब से कहीं और किसी कंट्री में, तो वो जा सकते हैं, वो उनके लिए थी, वो अजनबियों के लिए नहीं थी। तो फिर उसको जो है एक्सटेंड कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने जो है आगे 17 मई के लिए। अब 17 मई जो है लोग समझ रहे हैं कि ये गैर मुल्कियों के लिए है, इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए है, या जो 20 कंट्रियों पर जो है फ़्लाइट्स की जो टेम्परेरी सस्पेंशन लगाई है ये उन लोगों के लिए है, जबकि इन इस चीज़ का भी यानी 17 मई का भी जो गैर मुल्की लोग हैं इंडिया पाकिस्तान से, या 20 मुल्कों में जो फंसे हुए लोग हैं, जो 20 मुल्कों से लोग अभी सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी उनका भी कोई लेना देना नहीं है 17 मई से, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो 20 देशों पर जो है पाबंदी लगाई है उसमें उन्होंने बताया कि ये टेम्परेरी सस्पेंशन है,
उन्होंने जो है ये नहीं बताया कि हम 17 मई को खोल लेंगे या कौन सी तारीख को खोल लेंगे या एक महीने के बाद खोल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग हमारे भाई फंसे हुए हैं दुबई में, अब दुबई वाले जो है सोच रहे हैं कि 31 मार्च में खुलेगी, कोई भी जो है लेना देना नहीं है 31 तारीख का फ्लाइट्स के खुलने से, क्योंकि 31 तारीख तो वो कैंसिल हो गई। और वो कैंसिल होती या नहीं होती वो तो सऊदी शहरियों के लिए था, अजनबियों के लिए तो नहीं थी वो तारीख। और बात रही 17 मई की, तो वो भी सऊदी शहरियों के लिए ही है, यानी 17 मई को जो है जो सऊदी शहरी हैं अगर वो जाना चाहते हैं किसी कंट्रियों में सऊदी अरब से, तो वो जा सकते हैं, वो उनके लिए। यानी 17 मई की जो तारीख बताई गई है, इस चीज को गैर मुल्कियों के लिए जोड़ना ये सही नहीं है, बल्कि गैर मुल्कियों का इस चीज से जो है कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग अभी आपको फ्लाइट्स के बारे में तारीख बता रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी तारीख बता रहे हैं या एक हफ्ता बता रहे हैं, एक महीना बता रहे हैं या 2 महीने बता रहे हैं, किसी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है फ्लाइट्स कब खोलेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी खबर आती है वजारत दाखिलिया की तरफ से वो एकदम ही जो है अचानक से खबर आती है, और जो है रात में जो है ऐलान होता है। कभी कभी मैंने देखा कि जो है रात को 12 बजे 1 बजे जो है ऐलान हुआ कि फ्लाइट जो है खुल गई या फ्लाइट जो है बंद हो गई। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान से भी जो है पहले फ्लाइट खुली हुई थी, तो उसका ऐलान भी जो है मतलब एकदम अचानक से होता, ऐसा नहीं है कि वो पहले थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे कि हाँ उस तारीख में खुलेगी या उस तारीख में खुलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग आपको जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जानकारी है। जैसे ही कोई फ्लाइट्स के बारे में जानकारी आएगी इंशाल्लाह वीडियो बना करके हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। और देखिए बात रही ये कि 17 मई में खुलेगी क्या फ्लाइट, 17 मई जो है वो सऊदी शहरियों के लिए है, गैर मुल्कियों का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्लाइट जो है खुल सकती है, 1 हफ्ते में भी खुल सकती है, 1 महीने में भी खुल सकती है। तो जैसा कि आपको मालूम है मैं आपसे जो है कह दूं कि 1 महीने में खुल जाएगी या 2 महीने में खुल जाएगी, तो मेरी बात गलत है, क्योंकि 1 साल से जो है फ्लाइट बंद है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया की खास तौर से अगर मैं बात करूं तो 1 साल से जो है लोग फंसे हुए हैं इंडिया के अंदर और अभी तक जो है फ्लाइट नहीं खुली है। तो क्योंकि इसके बारे में जानकारी किसी के पास में नहीं है कि फ्लाइट जो है कब खुलेगी, हो सकता है कल खुल जाए, या हो सकता है कि 1 महीना और लगे, यह हो सकता है कि 2 महीने लगे। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी इंशाल्लाह वीडियो बना करके हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।